सो हेलो गाइस, मैं हूँ शुभम इलेक्ट्रिशियन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंडिया वीटीसी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पॉइंट के लिए, लाइटिंग पॉइंट के लिए, पावर पॉइंट के लिए कितने एमएम स्क्वायर का वायर यूज करना चाहिए, हमारा फैन है, सीलिंग फैन है तो उसके लिए कितने एमएम स्क्वायर का सप्लाई लाना चाहिए, अगर हमारा पावर बोर्ड है, मेन पावर बोर्ड है, मेन पावर सप्लाई है तो उसके लिए कितने एमएम स्क्वायर का वायर लगाना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले कि कौन से पॉइंट के लिए कितने एमएम स्क्वायर का वायर लगाना चाहिए, कितने एमएम स्क्वायर का सप्लाई लाना चाहिए। ठीक है, सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, फिर आपके मन में कोई डाउट या सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ। ओके, तो चलेगा, इस वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलेगा, मैं ऐसे इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूं हमेशा की तरह। तो चलेगा, इस वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करेंगे लाइटिंग पॉइंट के लिए कितने एमएम स्क्वायर का वायर लगाना चाहिए। देखिए गाइस, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं डालने वाला हूँ, मैं सीधा सीधा एक सिंपल तरीके से आपको बता देने वाला हूँ, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं खींचना चाहता। ओके, तो देखिए गाइस, हमारा लाइटिंग पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। सो गाइस, देखिएगा हमारा जो बल्ब के लिए होल्डर लगता है वो भी लाइटिंग पॉइंट में आता है। हमारा जो फॉल सीलिंग होता है, फॉल सीलिंग में जो पीओपी में लगने वाले जो डाउन लाइट होते हैं वो एलईडी पॉइंट होते हैं, वो भी लाइटिंग पॉइंट में आता है। हमारा जो सीलिंग फैन है, छत पे लगने वाला सीलिंग फैन हो या टेबल फैन हो, वो भी एक तरह का लाइटिंग पॉइंट में आता है। ठीक है, तो गाइस देखेगा इन सारे चीजों को आपको कितने एमएम स्क्वायर का वायर लगाना चाहिए। ठीक है, तो गाइस मैं सीधा सीधा आपको कहूंगा कि 1 एमएम स्क्वायर का वायर लगा दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं, आराम से लोड उठा लेगा, हर एक के लिए 1 एमएम स्क्वायर का वायर लगा दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं, लाइफ टाइम के लिए चलने वाला है। ओके, देखिए गाइस, 1 एमएम स्क्वायर का जो वायर होता है वो 1 किलो वॉट तक आराम से लोड उठा लेता है, 1 किलो वॉट यानी कि 1000 वॉट। ठीक है, और मैक्सिमम इसका लोड कैपेसिटी होता है 1 एमएम स्क्वायर का 1.5 से 2000 वॉट तक भी होता है। ठीक है, 1 किलो वॉट यानी कि आपका 4 से 5 एम्पेयर का जो लोड होता है, ठीक है, मैक्सिमम 7 से 7.5 एम्पेयर तक भी लोड उठा लेता है। ओके, तो गाइस इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपका फैन हो या एलईडी पॉइंट हो, ठीक है, तो आप ये 1 एमएम स्क्वायर वायर लगाते हैं तो आराम से लोड उठा लेता है। ओके, तो गाइस लाइटिंग पॉइंट हो गया हमारा। तो गाइस बात करते हैं हमारे जो लाइटिंग पॉइंट का जो स्विच बोर्ड होता है, तो उससे इनकमिंग सप्लाई कितने एमएम स्क्वायर का आना चाहिए, मतलब मेन सप्लाई बोर्ड में कितने एमएम स्क्वायर का आना चाहिए। देखिए गाइस, यहाँ पे आपको मैं ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा, यहाँ पे आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि 2.5 एमएम स्क्वायर का सप्लाई लेके जाएगा, कोई टेंशन नहीं लाइफ टाइम के लिए। ओके, तो गाइस देखिएगा, मैंने आपको एक क्लू दिया था कि 1 एमएम स्क्वायर का वायर 1000 वॉट तक, 1 किलो वॉट तक, 1000 वॉट तक लोड आराम से उठा लेता है, तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं 2.5 एमएम स्क्वायर का वायर कितना लोड उठा सकता है। 3000 वॉट तक आराम से लोड उठा लेता है और 5000 वॉट तक मैक्सिमम लोड उठाता है। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको एक क्लू दे दिया है, आप इससे एक अंदाजा लगाएगा 1 एमएम स्क्वायर का 1000 वॉट तक लेता है तो 2.5 एमएम स्क्वायर, 4 एमएम स्क्वायर, 6 एमएम स्क्वायर, 10 एमएम स्क्वायर कितना लोड उठा सकता है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो गाइस बात करते हैं आप पावर पॉइंट की। ठीक है, तो हमारा पावर पॉइंट जो होता है वो हम वहां से सिर्फ सप्लाई लेते हैं। ठीक है, तो गाइस वहां पे जो पावर बोर्ड में जो इनकमिंग सप्लाई जो होता है, मेन सप्लाई आता है, तो कितने एमएम स्क्वायर का लगाने चाहिए, आप सीधा सीधा वहां पे 2.5 एमएम स्क्वायर का ही सप्लाई ला दीजिएगा, चाहे वो लाइटिंग बोर्ड हो चाहे वो पावर बोर्ड हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका 6 एम्पेयर का अगर पावर बोर्ड है, मतलब 6 एम्पेयर के स्विच सॉकेट लग रहे हैं, तो यहाँ पे आप 2.5 एमएम स्क्वायर का सप्लाई ला दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका पावर प्लग लग रहा है यानी कि 15 से 16 एम्पेयर तक का जो पावर प्लग लग रहा है, तो वहां पे भी आप 2.5 एमएम स्क्वायर का ही सप्लाई लेके जाएगा,
अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पावर प्लग पे जो 15 से 16 एम्पीयर की जो पावर प्लेट होती है वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे नहीं ज़्यादा लोड आएगा, मतलब गीजर जैसा ओवन जैसा इस तरह का ज़्यादा लोड आ रहा है, तो वहाँ पे आप 4 एमएसक्यू का सप्लाई ला दीजिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आएगी लाइफ टाइम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका 6 एम्पीयर का पावर बोर्ड है, मतलब 6 एम्पीयर के स्विच सॉकेट उस बोर्ड में लगने वाले हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप 2.5 एमएसक्यू का ही सप्लाई लेके जाएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सो गाइस आप बात करते हैं जो हमारा मेन एमसीबी जो होता है घर का, जो मेन स्विच, मेन एमसीबी, मेन डीपी एमसीबी जो होता है वहाँ पे कितने एमएसक्यू का सप्लाई आना चाहिए। देखिए गाइस मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनने का, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। देखिए गाइज अगर आपका 4 रूम है, ठीक है, तो 4 रूम का 4 सर्किट आ रहा है 2.5 एमएसक्यू का, ठीक है, हर रूम का 2.5 एमएसक्यू का सर्किट है, ठीक है, 4 रूम का 4 सर्किट आ रहा है, 1 रूम का 1 सर्किट हो गए तो 4 रूम के 4 सर्किट हो गए, और 4 रूम के 2.5 एमएसक्यू का ही सर्किट है, ठीक है। तो गाइज आप क्या कीजिएगा, 2.5 × 4 कीजिएगा, आपका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो 10 एमएसक्यू का वायर लगा दीजिएगा, आराम से लोड उठा लेगा, ठीक है। देखा गाइज आपने कि कितना आसान है कैलकुलेशन है। तो गाइज हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो गाइज मेरे पास सिर्फ पॉलीकैब की वायर है 1 एमएम स्क्वायर की, ठीक है। तो इस कंपनी के बॉक्स के पीछे एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कितने एमएम स्क्वायर का वायर कितना एम्पेयर का लोड उठा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.75 एमएम स्क्वायर का जो वायर है 7 से 7.5 एम्पेयर तक लोड उठा सकता है, ठीक है, और 1.5 एमएम स्क्वायर का जो वायर है 11 से 12 एम्पेयर तक का भी लोड उठाता है, और 2.5 एमएम स्क्वायर का जो वायर है 19 से 22 एम्पेयर तक भी लोड उठा सकता है, और 4 एमएम स्क्वायर का जो वायर है 26 से 29 एम्पेयर तक भी लोड उठा लेता है, और 6 एमएम स्क्वायर का जो वायर है 31 से 37 तक भी लोड उठा लेता है, ठीक है। तो गाइस कंपनी ने है जो चार्ट दिया है थोड़ी ना ऐसा फेक दिया होगा, ठीक है, मतलब कंपनी ऐसे ही थोड़ी फेक चार्ट दे के अपना इतना बड़ा नाम खराब करेगी, कंपनी ने जो है चार्ट दिया हो सच्ची होगा ना, ठीक है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और नेक्स्ट टाइम आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए इलेक्ट्रिकल के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बना दूंगा, ओके। वैसे तो मैं इलेक्ट्रिकल के बारे में वीडियो लेता रहता हूँ, तो चले गए नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बाय बाय।